नित्यम करम करत्वामी चपाटम चपाटम प्रत्यक्ष प्रकट करस्वानी अचूक पाणम प्रयोजन प्रयोगम घुसाड़म जब बांबू तो निकलम आवजम समझम ना समझम। प्लीज वेलकम एंटरटेनर नंबर वन हीरो नंबर वन द वन एंड ओनली गोविंदा। अच्छा मैंने सर ट्रेलर में देखा, एक बात बताइए गोविंदा सर, कैमरा ऑन होते ही आप 26 साल के कैसे हो जाते हैं? और मैं आज कहना चाहता हूं बाजी कि आज मेरे उस्ताद मेरे गुरु जिनको सच में इंडस्ट्री ने हीरो माना है वो मेरे पास हैं, मैं इनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। सर जी आप इससे ज्यादा टच, ओए टच डोंट टच हिम। नहीं यार ये टच नहीं कर रहा, ये फील कर रहा है। ये ऐसे हाथ करके ऐसे ऐसे कर रहा है। इन्हें कभी अमीर घुटना देखा नहीं ना? एक टाइम पिक्चर बना तरह तरह की घुटन थमन जाए। तो जैकी चैन साहब आए, हाँ जी, इसने उनसे हाथ मिला दिया, उस दिन से उनकी चैन नहीं मिल रही। आपको पता है जिस हॉस्पिटल में ये पैदा हो ना वो हॉस्पिटल बंद हो गया, तो चोर बाजार खुल गया। पाजी देखिए इसे कितना भी लोग चोर कहे, साथी तो ये शर्मा का ही है। ये मेरे बचपन का दोस्त है। अच्छा मैं देख लो इधर बैठा इंटरव्यू करता ना, तो ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया, चाय की दुकान खोल ली। तो बड़े तो आपको काम धंधा क्यों नहीं करता, क्यों बड़े बड़े लोगों का टाइम वेस्ट करते रहते हैं? मैं एक दिन उसको 5-star होटल ले गया, वेटर कहता है स्टार्टर में क्या लेंगे, कहता कुछ नहीं मैं सेल्फ स्टार्ट हूँ। इसका पता ही नहीं कुछ। अच्छा मैं अगर इतना भी मैं इतना बुरा हूँ तो मुझे साथ साथ लेकर क्यों घूमते, मैं आपकी भाभी लगता हूँ। भाभी को लेके कौन घूमता है भाई, भाभी भाई के साथ घूमे, मैं तो इसलिए लेके घूमता हूँ, मुझे पंडित ने कहा कि कोई एक बेवकूफ अच्छा सा रख ले अपने साथ, तेरी स्मार्टनेस को नजर नहीं लगेगी। अच्छा, पंडित हाँ। पाजी वैसे पंडित हम दोनों का सेम है, मुझे भी यही बोला है उसने। मैं तो मतलब ऐसा हीरो बन गया था पाजी अपने मोहल्ले में, जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था स्कूल में छुट्टी हो जाती थी। मैं बताता हूँ पाजी छुट्टी, अब स्कूल में ही सोएगा आदमी तो कैसे मिस करेगा स्कूल। ये माँ बाप और एक भाई था, तीन घर लोगों की जगह थी सोने में, उसका छोटा भाई हुआ ये स्कूल में सोने लगा, फिर एक और हो गया, फिर छोटे को भी साथ में ले गया, ऐसे ऐसे करके ना 6 भाई बहन 7, 15, 12 लोग हैं ये, सारे स्कूल में सोते हैं। फिर एक दिन मास्टर जी गए इनके घर, कहते भाई साहब मोटर बंद कर लो टंकी भर गई है। और पाजी चलो 15 लोग थे, 15 लोगों की फीस जाती थी स्कूल को फायदा होता था, ये अकेले बैठे रहते थे 15 साल मास्टर इनका मुंह देखते रहे। तो हार के इनके घर के कहता हेलो भाई साहब उधर तो टंकी भर गई, आप भी मोटर ऑन करो, आप क्या कर रहे हो। वाह मेरे को बड़ा मजा आया। नित्यम करम करत्वामी चपाटम चपाटम प्रत्यक्ष प्रकट करस्वानी अचूक पाणम प्रयोजन प्रयोगम घुसाड़म जब बांबू तो निकलम आवजम समझम के ना समझम। ना समझम तो ऐसा समझाम के तोरा बाप पुकारम कहातम 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 कहातम। इसका मतलब ये था कि 1 से लेके 100 तक थप्पड़ मारने हैं, गिनने हैं, 99 पे आके भूल जाना है, फिर 1 से शुरू करना है। फिल्म मैं तू क्यों पूरा फील कर रहा है? नहीं मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो अपने हीरो बनने की बात बता रहा था। मैं तो जब आपको पता है कॉलेज टाइम में पाजी लड़कियां मेरी 3-3 घंटे वेट करती थी। लड़कियों का पाजी अच्छे लगते हैं आम पापड़ बेचने वाले जो आते हैं ना, खाना खट्टा पीटा गोलियां, तो तेरा इसलिए इंतजार करती थी। मेरे को तो अगर मौका मिलता ना इंडस्ट्री में मैंने दिमाग में जा देनी थी। मौका मिला था तेरे को? आंखें फिल्म थी ना आपकी, उसमें पहले इसको कास्ट किया था। हाँ जो बंदर वाला रोल नहीं था वो बंदर वाला रोल इसको ऑफर हुआ था, तो ये कास्टिंग डायरेक्टर लेके गया तो डायरेक्टर भड़क गया, कहता मैंने तेरे को बंदर कहा था तू लंगूर ले। और पारी जोरदार तालियां इनके लिए, फिर वो रोल इन्होंने किया। मैंने तो किया ही नहीं। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी ये तपड़िया नहीं, शाहरुख खान यहाँ लगा है बाबूजी, यहाँ लगा है। ये गोविंदा कर रहा है कि शाहरुख कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं बचपन में हमेशा कहता था हे ईश्वर मुझे शक्ति दे, ईश्वर ने मुझे शक्ति दे दिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए सर। एक शेर हो जाए, कमाल कर रहे हो। हीरो हीरोइन के रोमांस में बन के दीवार रहते हैं, वाह करते हैं साजिश, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, खलनायक वही जिसे देख के लगे खौफ, आपके सारे कैरेक्टर रोबदार और आउ लोलिटा की तरह यादगार। अभी जैसे सब लोग बैठे हुए थे जैसे शक्ति सर की एंट्री ना, सभी ने अपनी बीवियों के हाथ ऐसे पकड़ दिए। शक्ति सर आपने और गोविंदा सर ने साथ में कितनी फिल्में की होंगी, आइडिया आपको कोई?
पैंतीस चालीस तो की होंगी। देख लो 35-40 मतलब पांच को तो ये डिफरेंस मानते ही नहीं, हमारी तो एक आए तो हम मरे होते हैं कि हाय। इतनी सारी सर आपने फिल्में की, आपस में आपकी डील थी कोई कि इनको लेना है मुझे भी लेना है, या आपका कमीशन सेट होता था? अच्छा, इनके ऑपोजिट मैंने बड़े बड़े खौफनाक विलन के रोल भी किए हैं सर, जहाँ मैंने बहुत टॉर्चर किया इनको। एक आधी फिल्म थी इनकी धर्मपत्नी को भी टॉर्चर किया है। हाँ, और एक फिल्म में करिश्मा जी अंधी होती है, मैंने बहुत ही टॉर्चर किया है। वो पिक्चर मैंने कभी घर में नहीं लेके आता क्योंकि बच्चे बोलेंगे क्या बाप है। और जिंदगी में मुझे एक ही अवार्ड मिला है फिल्म फेयर का, वो राजा बाबू, राजा बाबू के। और जब मुझे अवार्ड मिल रहा था तो मेरी मम्मी थी दिल्ली से आई हुई, और मेरी वाइफ ने गलती से उनको बोल दिया कि आपके बेटे को अवार्ड मिल रहा है। तो मैंने कहा मैंने कच्चा नाड़ा पूरी पिक्चर में पहना है, और एक शॉट में मेरा वो कच्चा नीचे भी निकल जाता है, फिर मैं ऊपर पहना। मैंने कहा इसको तो अवार्ड मिल ही नहीं सकता। तो मैं बीवी को बहुत डांटा, मैंने कहा तुमने ये बहुत गलत किया है, और मम्मी बैठी हैं बाजू में, और अगर अवार्ड नहीं मिला तो वो तो बेचारी दुखी होकर दिल्ली जाएंगी वापस। मैंने कहा मिल ही नहीं सकता। फिर अचानक स्टेज पर मैंने देखा कि फिल्म वेयर वालों ने 15 लड़के कच्चे नाड़े में रख के आइटम कर रहे थे स्टेज पे। मैंने कहा आप मिल जाएगा। गोविंदा जी ने मुझे इतना हेल्प किया, वो समझता नहीं है यार, वो इनका था। नंदू सबका बंदू, वो इनका था। तो मैंने क्या किया? ये कौन सी फिल्म थी सर? तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना। ठोको आपके लिए, क्राइम मास्टर गोगो है नाम मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, टपक टपक टपक। शक्ति सर वैसे राजा बाबू में वो कच्चे वाला आइडिया था किसका, कि कच्चा पहन के आएंगे नाड़ा लटकता रहेगा? इनका इनका। सर ये खुराफाती चीजें कहाँ से आती हैं आपके दिमाग में? आपने किसी को देखा होगा कभी बचपन में या ऐसा? मजा तो इस बात का कि पूछने वाला कौन है। सर जब ऐसे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो नर्स गोद में उठाती है, आपको भी उठा था कि आपने ही नर्स को उठा लिया था? सुनाता हूँ, जब मैं पैदा हुआ अस्पताल में तो मेरे पिताजी अस्पताल में आए, बोले यार ये बड़ा होके क्या बनेगा? तो वहाँ एक आदमी बैठा था कि वकील की किताब लाओ, अगर उसको इसने हाथ लगा दिया तो ये वकील बनेगा। डॉक्टर के औजार लाओ, उसको हाथ लगा दिया तो डॉक्टर बनेगा। मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया, नर्स जा रही थी मैंने उसको पकड़ लिया। तो मैंने डैडी को फ़ोन किया कि मेरी बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है, आप जाके देखें, और मम्मी को साथ लेके जाना। तो दत्त साहब की फिल्म थी यारी दुश्मनी, तो उसमें सीन है जहाँ मैं लड़की को पकड़ लेता हूँ, घोड़ा चलाते हैं उसको उठा लेता हूँ। अब पिक्चर चल रही है, मेरे डैडी मम्मी के साथ बैठे हैं, अल्लाह तेरा पुत्र उठा भी वही कर रहा है। पूरा एग्जैजरेट कभी कभी होता ना कि आप खून गोली गोली मार धार तो ठीक है, फिर इनको सब ज्यादा आप विद रिस्पेक्ट, आई मीन इट्स योर जॉब, तो ऐसे दुपट्टे वट्टे खींचते थे तो पिताजी ने कभी नहीं कहा बेटा व्हाट इज दिस? पिताजी कहने से को बड़ी हीरोइन हुए था ठीक है, छोटी छोटी हीरोइन ने क्यों खींचना है? Somebody was, you know, they were trying to put me down. तो अब शक्ति जी ने देख लिया कि गोविंदा की बेइज्जती हो रही है, तो क्या 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 हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? शक्ति जी को थोड़ी सी थोड़ी हाँ। थोड़ी थोड़ी ज्यादा ही चढ़ी हुई थी। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो कह के गोविंदा ऐसा कर रहा है, गोविंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो शक्ति जी चढ़ी थी, क्या कर लोगे? मैं कहता हूं क्या कर लोगे? वो कह रहा है ऐसी बदतमीज नहीं चलेगी, इतने अच्छे आर्टिस्ट है, तुसी पैंट पता कर दी। अभी आगे नहीं बोला मैंने, कहा किसी ने गोविंदा के लिए कुछ और बोला? सची बोले यार आप हर रोज 2-3 लगा लेते हो। मैंने कहा देखो भैया, राम युग में दूध मिला ठीक है, कृष्ण युग में घी,
अपने युग में दारू मिली खूब दबा के पी। नहीं नहीं, मेरी तो शादी फिल्मों के बहुत देर के बाद हुई सर। तो जब आपका रिश्ता हुआ तो ससुराल वालों ने कहा नहीं कि लड़का पता नहीं, मतलब होता ही वही फिल्मों का असर। अच्छा, रिश्ता हुआ ही नहीं हमने। अच्छा। जो शादी की वो रिश्ता थोड़ा था। क्या था? हमारा लव अफेयर हुआ और उसके पिताजी ने बोला कि जिस इंसान से तू शादी करने जा रही है, जिसको तू बोलती है कि प्यार है, वो इंसान की मैगजीन खोल के देख ले क्या हिस्ट्री है। आप तो उनकी धर्मपत्नी हैं और इन्होंने 42 फिल्में साथ में की हैं। जी जी। कभी आपने ऐसा किया उनके फोन पे? मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि गोविंदा सर, पर एक बीवी को तो होता ना कभी कभी कि मेरा घर वाला इतना सुंदर स्मार्ट सुपरस्टार है तो चेक करूँ जरा हीरोइन को, ऐसे कभी किया शक्ति सर भाभी ने? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत ट्रस्ट करती हैं इन पे। और अरे इतना भी क्या करना है यार, कुछ तो करो। एक्चुअली मैंने देखा है मैम, सर आप हीरो हैं, आपका बनता है अपनी हीरोइन को प्यार से आप गाना गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है, हीरोइन आना भी नहीं चाहती, कैसे आता सर इतना कॉन्फिडेंस? किसी दूसरे की हीरोइन को खींच लेते हैं आप? सर मैं खींचता नहीं था, उठा लेता। आप डरते हैं मैडम से कभी कभी? मैं बिना डर के ये कहा करता हूँ। क्या? कि मैं डरता हूँ। देखिए, डर भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने स्त्रियों में कुछ खास ऐसी चीज़ दी हुई है कि उसकी कनेक्टिविटी उस हद में उसके साथ होती है कि वो सब घर परिवार पूरा वो चला सकती है। मुझे ईश्वर ने जो भी दिया वो मुझे मम्मी के आशीर्वाद से मिला। आपने तभी मुझे स्त्री कहा था पहले? आपको मैं इसलिए मैं आपको मुझे भाभी स्त्री मैं आपको स्त्री कह रहा था, भगवती नहीं कह रहा था मैं। पाजी लव यू, मुझे बड़े अच्छे अच्छे श्लोक सुनाते थे। शक्ति शक्ति मैं हाँ देख, भगवत गीता कहती है नियत तेरी साफ हो, किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो, घर में ही मथुरा काशी है। आप विलन हैं पर्दे पे, रियल लाइफ में बड़े अच्छे इंसान हैं। आपका आउ निकल ठहरी है, सच कह दूं? अरे अब इतने बाद में यार, अरे ये तो मेरा पूरा आउ डरते। सर मैं पूरे महाराष्ट्र से डरता हूँ, मेरी बीवी मराठन है। पाजी मैं बड़ा जोर लगाया बच्चे नु पंजाबी सिखावा। अभी ये जब दोनों बच्चे और माँ मिल जाते हैं कि मेरे से कुछ चीज छुपानी है तो इतनी जबरदस्त मराठी बोलते हैं, और नौकर हंसते हैं वो भी मराठी। कहने मैं कितना फंस गया। मतलब आपने इतने साल लाइफ पार्टनर आपकी हैं वाइफ, तो आपने मराठी नहीं सीखी, इसके पीछे क्या कारण है कि कभी लड़ाई हो तो मैं पंजाबी में बोलता हूँ वो मराठी में, ना उसको मेरी समझ आए ना मुझे उसको? बस वही है सर, एक्चुअली वो अभी थोड़ी पंजाबी बोलने लग गई है। अच्छा। हाँ मैं एक दो बारी पंजाबी में गाली दी, उसने 6 गाली सुना दी। चलिए तो वैसे कभी किसी वैसे प्रोफेशनल गुंडे ने आपको फोन नहीं किया सर मैं आपको बड़ा एडमायर करता हूँ? सीरियसली किया है? सीरियसली बहुत बड़े गुंडे ने किया था, मैं डर गया। क्या बोले फोन करके? बोले कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कहा थैंक यू, मैं आप बोल कौन रहे हैं? जो नाम लिया मैंने, हाँ मैं भी आपका फैन हूँ। यस बेबी, ओके नाइस शॉट, वेरी गुड। मैं तुमको आज एक्टिंग सिखाएगा, बनोगी हीरोइन। इसमें जान कहाँ है? ये अपनी जान मुझे दे चुकी है। लड़कियां मुझ पे जान छिड़कती हैं, दे डाई फॉर मी। ओके, एक्टिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दिमाग, जो तुम लोग के पास नहीं है, इसीलिए तुम मेरे से एक्टिंग सीखने के लिए आए हो। अब तुम इधर आओ, डायलॉग बोलो। मैं तेरे प्यार में क्या कहना बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी बना कमीना, बोलो। मैं तेरे प्यार में बन गया कुत्ता।
बनने का मौका तो दे, तू पहले कुत्ते जैसे बिहेव कर रहा है। वो टाइम तो आने दे। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? वाओ व्हाट अ क्वेश्चन। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले सवा मिनट से तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्शन चल रहे, वोटर आईडी बना रहा हूँ मैं, देख लेना। और तुम लोगों को बीमारी ठीक से नहीं आती, तुमको एक्टिंग क्या आएगी? चलो यहाँ से। हेलो सर। हेलो। राम से, राम से। क्या हो रहा है डॉक्टर? क्या कर रहे हो आप? ऐसा करता कोई? ये पतंगे हैं जो तुम पेच लड़ा रहे हो मेरे साथ यहाँ पे। बैठिए राम से, इधर बैठ के बात करिए ऊपर। भाभी नमस्ते। शक्ति सर, दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी सीडी। सीडी मतलब क्या? कंप्लीट डॉक्टर। डॉक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े मेहमान आया तो कच्छा पहन के घूम रहे हैं। तुम भी पहना करो। साफ कच्छा सबसे अच्छा। कच्छा बदलो मूड बदलेगा। आपको पता है ऐसे नंगा मुंह लेके आपको घूमना नहीं चाहिए, इस पे भी कच्छा डाले। आप मेरे कच्छे को कुछ नहीं कह सकते कपूर शर्मा, क्योंकि मेरा कच्छा जो है आप देखें बहुत यूजफुल है। पार्टी का सिंबल कच्छा है। इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर मी। मैं कभी टिकट नहीं लगता मेरा, क्योंकि मैं इसको ट्रक के पीछे बांध देता हूँ। ट्रक मेरे को ऐसे ऐसे करके ले जाता हूँ। कुल्लू मनाली वगैरह भी मैं गया हुआ हूँ इसको पहन के, एंड क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। ऐसे जाते हैं, ट्रैवल करते ना ऐसे। ये तभी मुंह घिस घिस के ऐसा हुआ, नहीं तो पहले वाला देखते और खराब था। मुझे भी डॉक्टर का शक्ति कपूर कहते हैं, पूछे क्यों? नहीं पूछना, क्यों पूछे भी? उनको यही काम रह गया कि आपसे पूछे कि क्यों कहते हैं। मैंने ये बात इधर कह के बोली है, पूछिए क्यों? मैं उधर बात कर रहा हूँ ना, तो मेरी आप मेरी कुर्सी पे आके बैठे हैं, मैंने आपको कुछ कहा? अभी एक मिनट, शक्ति जी पूछिए क्यों? You have now now say something? आपके घर का एरिया यहाँ तक है। आप अपनी कुर्सी लाइए, उस पे बैठिए। शक्ति जी पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? बोलो भाई क्यों? It's very uncomfortable. Reason है कि जैसे आप जो फिल्मों में करेक्टर करते हैं तो सारी हीरोइन भाग के कहती हैं बचाओ बचाओ, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं कहते हैं बचाओ बचाओ। सेम वे। एंड गोविंदा सर, मैं कल आपको फ़ोन ट्राई कर रहा था, यू डोंट नो। आपके पास नंबर है इनका? मैंने कब कहा मैं फ़ोन लगा रहा था? मैं ट्राई कर रहा था, फ़ोन मेरे हाथ में था, मैं नंबर लगा रहा था, ट्राई कर रहा था, कि गोविंदा जी नहीं, गोविंदा जी एक डेढ़ साल में लग जाता है इस तरह से, पहले भी मैंने कई बार किया। आप पागल हैं क्या? हर जीनियस को सबसे पहले लोग पागल ही कहते हैं। ये हैट कौन पहनता है पहले तो ये बताओ। मैं पहनता है। ड्रेसिंग सेंस आपको है नहीं, ऐसे बाल रखे आपने, वो चुड़ैल के बाल आपने अभी तक वापस नहीं किए। इनको बहुत चुड़ैलों का पता है, नहीं पार्टीज विद देम। तो इनको पता है कि कौन चुड़ैल है कौन बुड़ैल है। लेट मी टॉक अबाउट माई वर्क। हॉस्पिटल में स्कीम्स चलती रहती है हमारे, अभी एक स्कीम चल रही है जिसके अंदर अगर आपका बाल गिरे तो हमारा आदमी आपको उठा के देगा। 40% एक्स्ट्रा चार्ज है, बट कुछ मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है इसके अंदर। अगर आप बाथरूम में नहा रहे हैं तो आपको पैंट पहन के नहाना होगा, क्योंकि हमारा आदमी साथ खड़ा है। ये क्या ऑफर हुआ बेवकूफ वाला? अगर आपको ये नहीं तो दूसरा ऑफर, अगर आपको दारू छोड़नी है तो हमारे हॉस्पिटल में आके छोड़ जाइए। एंड वी हैव अ मास्टर स्कीम गोइंग ऑन इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट। मास्टर स्कीम यह है कि अगर आपका ऑपरेशन चल रहा है हम आपको रेडियो साथ सुनाएंगे। ऑपरेशन का चार्ज नहीं, रेडियो का चार्ज लेंगे आपसे, क्योंकि रेडियो सुनाना बहुत मुश्किल काम है। रेडियो सुनाने में क्या मुश्किल काम? मैं खुद सुनाता है ना। ऑपरेशन करता है साथ साथ में रेडियो सुना रहा है। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो। सामने वाला कहता है समाचार सुनाओ, समाचार सुनाता, अभी आप सुन रहे हैं समाचार, अभी आप ऐसे जो गाने भी कई बार गाते हैं जो जैसे मास्टरपीस, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इन जो रेडियो सुनना पसंद करते हैं उनको हम एक्टिंग कोर्स भी सिखाते हैं कि
क्योंकि जो आदमी इतना बेवकूफ है फ्री वाली चीज रेडियो पैसे दे रहा है उसके सीखने के लिए, वो एक्टिंग भी सीख ही लेगा. एंड वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स आल्सो. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम इंडस्ट्री पीपल. इंडस्ट्री पीपल, कम ऑन इन. दिस इज माय इंडस्ट्री फ्रेंड्स. दिस इज माय जॉन. दिस इज जॉन. एंड दिस इज टाइगर. टाइगर, दैट्स नील. मुर्गे पकड़े हैं मुर्गे. नील और बेवकूफ और नील नितिन मुकेश एक आदमी है. कार पकड़ के आ गए यहाँ पे. नकली काम करते हैं आप, हमेशा आपकी चोरी पकड़ी जाती है. ये देखो, झूठ आप बोलते हैं. झूठ नहीं है. मेहमानों के साथ अब चीटिंग करते हैं. चीटिंग नहीं करता है. नील नितिन मुकेश तीन तीन आदमी खड़े. वो बेवकूफ है, उनको अकल नहीं है, तो मैं क्या करेगा. अच्छा तो तुम बड़े जीनियस है. मैं तो जिस चीज को छूता हूँ सोना बन जाती है. आओ चलो, तुम्हारा एक्टिंग का टाइम हो गया. आओ. इतने ग्रेट एक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि आज फैकल्टी इन्हीं को बुला लेते हैं. शक्ति सर, इनको एक विलन का लेक्चर्स देते हैं. आप मुझे दीजिए, मैं इनको दूंगा. अपने हम परसेंटेज सेटिंग कर लेंगे ना अपने, उसमें क्या है. This is my shirt. Let's go, baby. Let's have fun inside. हाथ ही नहीं था उसका. हाथ? अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया. सर जी. जी. सर जी, उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि आपका बेटा बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो माँ पे गया है, पापा पे गया है, क्या है मतलब. मैं बताऊँ. आप ही बताइए. जब यश मेरे पेट में था तो मैंने साहब की तो पिक्चर नहीं देखी थी. है? मैंने सिर्फ दो फोटो देखी थी, वो एक अमित जी की थी और एक धर्म जी की. शक्ल आ गया धर्म जी. मैं सुनीता को दो फोटोग्राफ ला के दे दिए थे, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के और जो मेरे फेवरेट हीरो है वर्षानुवर्ष से, आदरणीय धर्मेंद्र जी के. कहा देख, चेहरा ऐसा चाहिए और बुद्धि ऐसी चाहिए. शुक्र है मेरी फोटो नहीं दिखाई. नमस्ते शक्ति जी. नमस्ते सुनीता जी. नमस्ते. नमस्ते हीरो नंबर वन जी. देख लो भगवान की कृपा, देखो गोविंदा आए हैं, मटके भी आ रहे हैं. फोड़ दो सर. ये तो आप बहुत फोर्स कॉमेडी किए हैं. बिल्कुल जरूर लीजिए. ये जो है ये आपके लिए है. नहीं नहीं, हम लाए हैं. है क्या? अच्छा ये तो ये देखिए, ये ना आपने यहाँ पे ना यहाँ पे लगा लीजिए. यहाँ लगाइए क्योंकि हम आपका वो स्वर्ग पिक्चर में देखे आपको. यहाँ चोट लगाए ना आपको. हम देखे तब से ये बैंडेड लेकर घूम रहे हैं, पट्टा आपके लिए को यहाँ लगाई. दादा मत ऐसे मारो, बाल लड़का ना निकले आए अंदर. हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं शक्ति जी. पूछे पूछे. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा इफेक्ट चाहिएगा. ये हमारा एक केबीसी था जो कैंसल हो गया, इसके लिए फिर भी. सवाल यह है कि आप आओ ललिता, आओ ललिता, आओ ललिता कई बार कहते हैं लेकिन ललिता नहीं आती, क्यों? आपके चार ऑप्शन हैं. ऑप्शन ए, ललिता ने हेडफोन लगा के रखा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा. ऑप्शन बी, उसका नाम ललिता है ही नहीं, शायद बबीता है, हो सकता है. ऑप्शन सी, उसके कान में बहुत मैल है, दो साल से साफ नहीं किए.
या फिर ऑप्शन डी, ललिता को बहुत एटीट्यूड है, सुनती नहीं है ससुरी। एक आ गई है, वो मेरी धर्मपत्नी। अरे ये अच्छी बात है, लेकिन हम आपसे सच में कह रहे हैं कि आओ ललिता की जगह अगर आप आओ संतोष कहे होते हम तुरंत आ जाते। आपने कहा था एक बहुत खूबसूरत लड़की आ रही है, ये तो मोहल्ला। ऐसा देखिए सुनीता जी, आपको अभी क्या है कि शेयरिंग का जमाना है आजकल, ऐसा ये सोशल मीडिया पे भी कितना शेयरिंग होता है जी। तो अगर हम इनको आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लें तो आपको ऐसा कुछ गुस्सा तो नहीं आएगा ना? नहीं, बट आपका फिगर थोड़ा ज्यादा है। वो फिगर आउट कर लेंगे। देखिए हमें इनके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए बस। थोड़ी सी जगह? तू इनके घर की पार्किंग में ना आए, थोड़ी सी जगह में कहां आएगी। पर ये तो अच्छा बात हुआ ना, ये सोचिए आप अपना इतना सारा फिल्मों में ऐसा डबल रोल करते रहते हैं, हैं? अब वहां पर आपको दो हीरोइन का जरूरत ही नहीं, हमें ले लीजिए, दोनों का काम कर देंगे। देखिए आपकी नाराजगी में आपकी हाँ है, हमें दिख रहा है। देखिए इन्होंने हमको पकड़ लिया है, छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए, हीरो हीरो आइए हमको बचाइए। मैं सब्जी लेने जा रहा था, रास्ते में मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ कचरा हो रहा है, आ गया हीरो, मैं बचाएगा। आप किसे बचाएंगे? हीरो ने बचा लिया हमें। मैं हीरो को बचाएगा। किससे? तुमसे। आपको पता नहीं है सर किसके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही है, इसके बाल हैं पीठ पे, ये देखो आप, ये औरत है ये। हाँ तो मैं बाल कलाकार रह चुकी हूँ। अगर तूने कुछ भी किया, थैंक यू माय फ्रेंड। क्या कर लेंगे आप? तो क्या कर लेंगे? मुझसे होके गुजर के जाना पड़ेगा तुमको। आपसे गुजर के जाऊंगी, कुछ नहीं है। गुजर गई अभी क्या? गुजर गई क्या? क्या क्या हो गया? गुजर गई। हेलो, आई एम संतोष, आई एम लेट डॉक्टर बशीर। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, बड़े दिनों से मेरे मन में एक बात थी। अच्छा बताइए बताइए। बताऊंगा नहीं, तुमको दिखाऊंगा। कैन आई शो यू? जस्ट यस, शो मी, डोंट माइंड। सोडा का कंजम्पशन करने आया था मैं। इससे नहीं डरते ये सामान लाए हैं। ये लीजिए। इसका क्या करेंगे? केला। तब क्या लेकर आए हैं? आज मैं इतिहास लिखेगा स्याही से। बस हो गया। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.